अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है। वी गोना फिनिश चैप्टर नंबर 9, डिटेल आंसर एक्सटेंसिव रिस्पांस क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हाउ बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस तरीके से पैदा होता है? बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता ये है कि जब हम लोग एंटीबायोटिक्स का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक्स की आदत हो जाती है और उन बैक्टीरियाज़ के अंदर इस तरह की कोई ना कोई स्ट्रेटजी या कोई ना कोई तरीका आ जाता है जिससे वो एंटीबायोटिक का असर ख़त्म हो जाता है या उन पर नहीं होता। अब वो करते कैसे हैं? या तो वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, या फिर क्या करते हैं वो एंटीबायोटिक के सिस्टम को ही चेंज कर देते हैं ताकि एंटीबायोटिक किसी और बैक्टीरिया पर अटैक करें। इसके अलावा इनके अंदर एक इफ्लक्स भी पैदा हो सकता है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स जो इनके अंदर जा चुके हैं या अटैक कर रहे होते हैं इनके सिस्टम पे, वो इनके सिस्टम से बाहर फेंके जाते हैं। तो इन तीन तरीके कार से बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करता है अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मोड ऑफ वैक्सीनेशन। मोड ऑफ वैक्सीनेशन हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले ये होता है कि मोड ऑफ वैक्सीनेशन हमारे पास 4 होते हैं: ओरली, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अब मोड ऑफ वैक्सीनेशन में होता ये है कि वैक्सीन के अंदर बेसिकली एक ऐसा एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं जो एक बीमारी का कॉज करता है, वो बीमारी को कॉज करता है और उसी की वीकेंड या फिर किल्ड फॉर्म को हम लोग उसी में इंसर्ट कर देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में, ताकि उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं जो हमें ज़्यादा बीमार कर सकता है वो हम पर अटैक ना करें। जब वीकेंड फॉर्म हमारे बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है या ओरली जो है इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम है वो उस ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं या उसके जो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो किलर टीज़ होते हैं वो हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। उसके बाद जो मेमोरी टी सेल है उस चीज़ को, उस ऑर्गेनिज़म्स को याद रखता है ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ जाए तो उसको पता हो कि कौन से एंटीबॉडीज़ हमें बनाने हैं। और यहाँ पे आप लोगों का क्लास 10 का बायोलॉजी पूरा कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।